अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैर वाफियत से होंगे। मैं हकीम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हकीम फैसल हेल्थ। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ, जिन भाई का, जिन बहन का या जिन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है ये। और ये नुस्खा हुक्म आज़ाद भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। बहुत अच्छा नुस्खा है, मेरा मुजर्रब नुस्खा है। नुस्खा माशाल्लाह तीन अद्वियात हैं और इसकी मैं बता दूं फ़ायदे क्या क्या हैं इसके। इसके फ़ायदे ये हैं कि जिनको खूनी बवासीर होती है और उसका खून वून बंद नहीं होता, एक लंबे अरसे से खून चल रहा है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों को या बड़ों को नकसीर की शिकायत हो जाती है, नकसीर चलती रहती है उनकी। और तीसरी चीज़, जिन बहनों को, माँ को ये ख्याल होता है कि वो माहवारी के बाद उनका ब्लड बंद नहीं होता, उनका हैज आता रहता है, जिनका खून बंद नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा मुफीद नुस्खा है। तो नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। नुस्खे के लिए आप कुछ एक नोट कर लीजिएगा, तीन अद्वियात हैं इसमें, तो आप तरीका भी देख लीजिएगा बनाने का और इसको मैंने खिलाने का भी तरीका मैं आगे बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले लेनी है एक बोरी, जो होती है ना टाट की बोरी, टाट बोलते हैं उसको, उसकी बोरी ले लें और उसको रोल कर लें, डबल तिबल करके उसको रोल कर लें और उसको एक ऐसी जगह रख दें जहाँ के वो रोल उसका खुले ना, या उसको किसी चीज़ से बांध दें। और उसको रोल को बांधने के बाद दो साइडों से, जैसे ये मैं आपको पेन का वो बता देता हूँ, आप ये यहाँ बीच में से बांध दोगे और इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइडों से उसमें आग लगा दो। और आग लगाने के बाद उसके ऊपर की जो कालक है वो निकाल के फेंक दो, और उसमें जो नीचे नीचे की बारीक वाली, बहुत बहुत ही बारीक वाली फूंक मारने वाली, जिसे फूंक मारते धूल उड़ जाती है, ऐसी वाली जो राख होगी उसकी, उस राख को आप 5 तोला उठा लो उसमें से। 5 तोला उसमें से राख लेनी है और 5 तोला आपको लेनी है संगे जरात। संगे जरात आता वाइट तरह की पत्थर जैसी पत्थर वो होती है, फिटकरी टाइप की, तो उसमें संगे जरात आती है, वो आप किसी भी पंसारी से ले सकते हैं। बाकी हुक्म आज़ाद बहुत अच्छे से जानते भी हैं अद्वियात के बारे में, तो वो ले लें, संगे जरात ले लें। इसके साथ में गेरू ले लें, 5-5 तोले, ये तीनों चीज़ें लेके और इसको बहुत अच्छे से खलल कर लें। और खलल करने के बाद में इसको बहुत अच्छे से इसका बारीक सुरमा बना लें, सुरमे टाइप की बिल्कुल इसको ख़ास तौर से बना के रखें। अब इसको खिलाना किस तरह से है कि इसको शरबत इंजीबार के पानी से 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, 2 दिन ये खुराक देनी है। अगर बड़े हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से 2 ग्राम दे सकते हैं, बच्चे हैं तो 1 ग्राम देनी है शरबत इंजीबार के पानी से उनको आप दे सकते। तो इंशाल्लाह पहले दूसरे दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको ज़्यादा नहीं खिलाना पड़ता है, 2 से मुश्किल 3 दिन खिला दिया किसी को, खिला दिया, नहीं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरा आजमुदा नुस्खा है, आप सभी हजरात बनाएं इसका और फ़ायदा उठाएं। बाकी आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, किसी तरह की कोई वीडियो चाहिए तो वो बताएं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।